नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी यानी कि JNVU के जो रिजल्ट हैं वो किस प्रकार से हम डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमें कोई नया रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा लिंक है और कौन से लिंक से हमारा रिजल्ट डाउनलोड होगा, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ या फिर नहीं हुआ, इसकी भी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप नए व पुराने, अगर आपके आगामी वर्षों में 2016 में हुआ, 17 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और इसके रिजल्ट भी डाउनलोड करने हैं तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको डायरेक्टली टाइप करना है JNVU, फिर टाइप करना है IUMS। दोस्तों, आपको सर्च करना है, फिर www.jnvuium.in ये वाला पोर्टल आपको ओपन कर लेना है। ये वाला पोर्टल हो गया ओपन। उसके बाद दोस्तों, आपको डायरेक्टली इस पोर्टल के नीचे ड्रैग करते हुए जाना है। जैसे ही आप नीचे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे रिजल्ट का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है JNVU रिजल्ट न्यू लिखा हुआ, यहाँ नीचे लिखा हुआ रहा मोर इन्फॉर्मेशन। तो इसके मोर इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों मोर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर एग्जामिनेशन रिजल्ट 2018-19 के जो भी डिक्लेयर हुए, जैसे कि एक रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू सेमेस्टर रिजल्ट। और इसी तरह दोस्तों, आपको यहाँ पे एनुअल रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये दोस्तों 2017-18 के हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक हेयर टू व्यू सेमेस्टर रिजल्ट, क्लिक हेयर टू व्यू एनुअल रिजल्ट, क्लिक हेयर टू व्यू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट रिजल्ट, क्लिक हेयर टू व्यू सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो सब तरह के रिजल्ट यहाँ पे 2017-18 के हो गए, ये 16-17 के फिर दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर यह 15-16 के भी दिखाई दे रहे हैं। और इसे री वैल्यूशन 2017-18 के रिजल्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं, री वैल्यूशन एग्जामिनेशन रिजल्ट 2016-17 के भी आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर री वैल्यूशन एग्जामिनेशन 2015-16 के भी आपको दिखाई। तो जितने भी रिजल्ट है 2015-16 से लगा के अभी तक 18-19 के सब रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नए रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा तो यहाँ से सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में एग्जामिनेशन रिजल्ट 2018-19 यहाँ पे एनुअल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी सिर्फ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उनके दिखाई दे रहे। तो कौन कौन से सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं इसे यही हमें देखना है इस वर्ष के। तो मुझे डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करते दोस्तों ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन नहीं हो रहा, मैं अगले ये वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डिग्री आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं, सर्च नहीं करना डायरेक्टली दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे रिजल्ट सब कौन कौन से डिक्लेयर हुए। तो यहाँ पे ड्रैग करते हुए आप पूरा देख सकते हैं, ये सब एमए के आ रहे हैं, फिर अंडर ग्रेजुएट के भी आ गए, जैसे कि आपको BA BEd फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन रिजल्ट निकालना है तो डायरेक्टली दोस्तों आपको ये 16/4/2019 अभी डिक्लेयर हुआ है, तो इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्लिक करना होगा। फिर आपको रोल नंबर डाल के गेट रिजल्ट पर क्लिक करना और आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप JNVU की नए पुराने जो भी रिजल्ट है, अभी जो डिक्लेयर हो चुके हैं या फिर जो होने वाले जो आगामी वर्षों में होंगे, सब इसी तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक व शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।